जलसीमियम येलो जैस्मिन फैमिली लोगेनियसी प्रूव्ड बाय डब्ल्यू ई पेन प्रीडोमिनेंटली सोरिक सेंटर्स इट्स एक्शन अपॉन द नर्वस सिस्टम कॉजिंग वेरियस डिग्रीज ऑफ मोटर पैरालिसिस। इसका जो सेंटर ऑफ एक्शन है वो नर्वस सिस्टम पे है और वेरियस डिग्री की मोटर पैरालिसिस कॉज करती है। D3T2 ये शॉर्ट ट्रिक है, निमोनिक है याद करने का। डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ट्रेम्बलिंग एंड थर्स्टलेसनेस, ये कुछ मार्क्ड सिम्टम्स हैं जलसीमियम के। डलनेस का मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, की इंटरेस्ट की कमी हो जाए, एक्साइटमेंट की कमी हो। डिजीनेस फीलिंग फेंट वीक और अनस्टेडी। ड्राउजीनेस मीन्स स्ट्रांग डिज़ायर फॉर स्लीप, सोने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती हो। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग एंड थर्स्टलेसनेस मीन्स प्यास न लगना। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर वीकनेस, मसल्स के कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है और मस्कुलर वीकनेस फील होता है। फॉर चिल्ड्रेन यंग पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ ए नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, जलसीमियम ऐसे बच्चों की यंग लोगों की मेडिसिन है, स्पेशली वुमेन्स की जिनका नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होता है। हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का मतलब है अनकंट्रोलेबल एक्सट्रीम इमोशन या बिहेवियर जिसकी वजह से अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता हो। और ऐसा ही हिस्टेरिकल टेम्परामेंट क्रोकस सेटाइवस और इग्निशिया में भी देखने को मिलता है। कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम विद एंटायर मोटर पैरालिसिस। कंप्लीट रिलैक्सेशन, प्रोस्ट्रेशन का मतलब वीकनेस हो जाती है पूरे मस्कुलर सिस्टम की और साथ ही साथ मोटर पैरालिसिस हो जाती है। एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव फॉर द नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओनानिस्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। तो पर्सन कैसे एक्साइटेबल है, इरिटेबल है, सेंसिटिव है, और ऐसे पर्सन्स की मेडिसिन है जो ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं या एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे दोनों ही, चाहे किसी भी सेक्स के हों, यानी दोनों सेक्सेस की मेडिसिन है। कालीफॉस में भी ऐसा देखने को मिलता है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइट फियर एक्साइटिंग न्यूज एंड सडन इमोशंस। बैड इफेक्ट्स फ्राइट की वजह से, फ्राइट भी एक तरीका का फियर होता है जिसमें आप कोई एक्शन नहीं ले पाते, आप फ्रीज हो जाते हैं। फियर नॉर्मल फियर है, एक्साइटिंग न्यूज़ के बैड इफेक्ट्स की वजह से या सडन इमोशंस के बैड इफेक्ट्स की मेडिसिन है जलसीमियम। इग्निशिया में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। एंड बैड इफेक्ट्स फ्रॉम प्लीजेंट सरप्राइज, अगर सरप्राइज के बैड इफेक्ट्स हैं तो कोफिया इंडिकेट होती है। फियर ऑफ डेथ सेम एज आर्सेनिक। अटर लैक ऑफ करेज, कि साहस की कमी होना, फियर ऑफ डेथ होना। द एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डियल, कोई अनहोनी घटना होने का जो है वो एंटिसिपेशन होना, घबराहट होना। प्रिपेयरिंग फॉर चर्च थिएटर और टू मीट एन एंगेजमेंट ब्रिंग ऑन डायरिया, जब भी वो चर्च जाने के लिए तैयार होगा, थिएटर जाने के लिए तैयार होगा या फिर एंगेजमेंट में जाना या लोगों से मिलना है तो उस टाइम पे जो है वो उससे पहले डायरिया आ जाता है। स्टेज फ्राइट, स्टेज पे जाने से घबराहट होती है और अगर स्टेज पे पहुंच गए तो फिर वहाँ जाके फ्राइट हो जाता है, यानी फ्रीज कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई एक्ट नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं, ना कोई एक्शन ले सकते हैं। नर्वस ड्रेड ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक, पब्लिक में अपीयर होने की जो घबराहट होती है, सेम आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, जनरल डिप्रेशन देखने को मिलता है हीट ऑफ सन की वजह से या फिर समर वेदर में। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग हैंड्स लेग्स ऑफ द इंटायर बॉडी, वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है। ट्रेम्बलिंग का मतलब शेकिंग, हाथ पैर कांपते हैं, और कपकपी जो है वो टंग में फील होती है, हाथों में फील होती है, लेग्स में फील होती है, पूरी बॉडी में फील होती है वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग। डिज़ायर टू बी क्वाइट, टू बी लेट अलोन, ऐसी इच्छा होती है कि शांत रहें या अकेले पड़े रहें। डू नॉट विश टू स्पीक और हैव एनी वन नियर हर, किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती और ऐसा कुछ, ऐसा मन नहीं करता कि कोई उसके पास आए। इवन इफ द पर्सन इज साइलेंट, इवन आने वाला जो पर्सन है वो साइलेंट ही क्यों ना हो, सेम चीज़ इग्निशिया में भी देखने को मिलती है। वर्टाइगो स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑसिपट, वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना, ये ऑसिपट से स्टार्ट होता है, स्प्रेड करता है ऑसिपट से पीछे से।
सेम साइलिसिया में भी देखने को मिलता है विद डिप्लोपिया। डिप्लोपिया के साथ, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विज़न, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट की दो दो इमेजेस दिखाई पड़ती हैं। डिम विज़न, विज़न थोड़ा सा कम हो जाता है। लॉस ऑफ साइट, सीम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव। लॉस ऑफ साइट का मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ऐसा फील होता है जैसे कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो, मतलब जो सेंसेस का कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है, ऐसा फील होता है जैसे पॉइजन्ड है या फिर अल्कोहल ड्रिंक कर रखा है। जब भी मूव करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा फील होता है। चिल्ड्रेन फियर ऑफ फॉलिंग, ग्रेस्प द क्रिब और सीज द नर्स। बच्चे, उनमें गिरने का डर होता है। तो क्रिब का मतलब होता है चाइल्ड्स बेड, यानी कि पालना, वो अपने पालने को पकड़ लेता है या फिर जो भी उसके पास में है, नर्स है, तो उसको सडनली ग्रेस्प कर लेगा, सडनली पकड़ लेगा। सीज करने का मतलब यही होता है, टू ग्रेस्प सडनली, गिरने के डर की वजह से वो सडनली उसको पकड़ लेगा। सेम चीज़ बोरैक्स और सेनिकुला में भी देखने को मिलती है। हेडेक प्रिसीडेड बाई ब्लाइंडनेस, हेडेक प्रिसीडेड बाई ब्लाइंडनेस का मतलब है ब्लाइंडनेस पहले आती है फिर हेडेक होता है। काली बाइक्रोम में भी ऐसा देखने को मिलता है। एम्ब्लूरिएशन बाई प्रोफ्यूज यूरिनेशन, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से उसको एम्ब्लूरिएशन होता है, आराम मिलता है। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। कन्फ्यूज्ड मसल्स, रिफ्यूज टू ओबे द विल, कि सोचता कुछ है और एक्शन नहीं होता है, उसका जो वॉलंटरी एक्शंस हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी उसकी इच्छा होती है कि हम हाथ मूव करें, पैर मूव करें, पर वो मूव नहीं हो पाता है। हेडेक बिगिनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन, हेडेक जो है वो सर्वाइकल स्पाइन से स्टार्ट होता है। पेन्स एक्सटेंड ओवर द हेड, जो पेन है वो ऊपर की तरफ, हेड हेड की तरफ आता है। कॉजिंग बर्स्टिंग सेंसेशन इन फोर हेड एंड आई बॉल्स, उसे बर्स्टिंग सेंसेशन फील होता है फोर हेड में, आई बॉल्स में। सेंग्विनेरिया एंड साइलिसिया दोनों में सेम तरीके से देखने को मिलता है। बेगिन्स इन द सेम वे बट सेमी लेटरल, सेम तरीके से स्टार्ट होता है लेकिन जो हेडेक है वो आधा होता है, सेमी लेटरल होता है। एग्रेवेशन बाई मेंटल एग्जर्सन, मेंटल एग्जर्सन से एग्रेवेशन है। फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से एग्रेवेशन है। हीट ऑफ सन, जो धूप है, सूरज की गर्मी है उससे। लाइंग विद हेड लो, ऐसे लेटा हुआ है कि अगर उसका सर पूरी बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है तो बहुत ज़्यादा हेडेक देखने को मिलता है, हेडेक एग्रेवेट करते हैं। सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड अबव आइज, आइज के ऊपर हेड पे ऐसा सेंसेशन होता है कि जैसे कोई बैंड बंधा हुआ हो, प्रेशर का सेंसेशन होता है। कार्बोनिक एसिड और सल्फर में भी ऐसा देखने को मिलता है। स्कैल्प सोर टू टच, जो स्कैल्प है वो टच करने से दुखता है। फियर्स दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग, और ऐसा डर उसको होता है कि जब तक वो मूव नहीं करेगा, मतलब अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग, अगर वो मूव नहीं करता रहेगा तो हार्ट जो है वो रुक जाएगा, हार्ट बीट करना बंद कर देगा। एंड फियर्स इट वुड सीज बीटिंग इफ सी मूव्ड, डिजिटलिस, डिजिटलिस में इसका उल्टा होता है कि उसको इस बात का डर होता है कि अगर उसने मूव किया, अगर पेशेंट ने मूव किया तो हार्ट का बीट करना रुक जाएगा। सो इसका उल्टा देखने को मिलता है डिजिटलिस में। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, जलसीमियम में स्लो पल्स देखने को मिलती है स्पेशली ओल्ड एज की। ग्रेट हैवीनेस ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, प्रेशर फील होता है। कैन नॉट कीप देम ओपन, और उनको खुला नहीं रख सकता, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राउजीनेस फील होती है, वही चीज़ है यहाँ पे कि कैन नॉट कीप देम ओपन, आईलिड्स को, आईज़ को खुला नहीं रख सकता। कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस एंड सीपीएम में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। चिल विदाउट थर्स्ट, चिल मीन्स ठंड लग के फीवर आना, और बिना थर्स्ट के होता है, स्पेशली अलॉन्ग स्पाइन, स्पाइन के अलॉन्ग। रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशन फ्रॉम सैक्रम टू ऑसिपिट, ऊपर से नीचे मूव करता है बैक में बहुत ही रैपिड वेव, वेव लाइक सक्सेशन में, सैक्रम से ऑसिपट की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। रिलेशंस कंपेयर बैप्टीसिया विद इन थ्रेटनिंग टाइफाइड फीवर, जलसीमियम और बैप्टीसिया का कंपैरिजन किया जाता है।
टाइफाइड फीवर में, थ्रेटनिंग का मतलब जानलेवा टाइफाइड फीवर, इपिकाक इन डम्ब एग्यू आफ्टर सप्रेशन बाई क्विनाइन। इपिकाक से कंपेयर करते हैं डम्ब एग्यू में, डम्ब एग्यू का मतलब है मलेरियल फीवर, जहाँ पे कोई वेल डिफाइंड चिल ना हो, स्लाइट पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही हो, कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, ऐसे फीवर को डम्ब एग्यू बोला जाता है। एंड आफ्टर सप्रेशन बाई क्विनाइन, कि क्विनाइन देने के बाद सप्रेशन हुआ है, तो हम जलसीमियम और इपिकाक को कंपेयर करते हैं मलेरियल फीवर में। एग्रवेशन, एग्रवेशन फ्रॉम डैम्प वेदर, एग्रवेशन डैम्प वेदर से देखने को मिलता है बिफोर अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म आने से पहले जो डैम्प वेदर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में एग्रवेशन देखने को मिलता है। मेंटल इमोशन और एक्साइटमेंट, मेंटल इमोशन से, एक्साइटमेंट से एग्रवेशन होता है, बैड न्यूज़ से एग्रवेशन होता है, टबैको स्मोकिंग से एग्रवेशन होता है। एंड वेन थिंकिंग ऑफ हिज एलमेंट्स, जब अपनी परेशानियों के बारे में सोचता है तो एग्रवेशन होता है। एंड एग्रवेशन वेन स्पोकन टू ऑफ हिज लॉस, और अपने लॉस की बात करेगा, अपने बिजनेस के लॉस की बात करेगा, और कोई जो भी उसको लॉस हुआ हो उसके बारे में बात करेगा, तो एग्रवेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू वीडियोज़।